एक गौतम गंभीर ने दो बंदों पर तीन बयान दिए हैं। जी हाँ, बहुत थोड़ा सा स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गए, चलिए बताता हूँ। गौतम गंभीर ने एक बार फिर से उसी बारे में बात की कि आपको एक खिलाड़ी के लिए ना तो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, ना ही एक खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप जिताता है। बात सही है, आप कुछ भी कह लें, लेकिन आप इतना जरूर मानेंगे कि हाँ, बात सही है। खैर, अब उन्होंने एक बार फिर से जो राहुल द्रविड़ हैं उनकी तारीफ की, लेकिन रोहित शर्मा को घेर लिया। दरअसल वर्ल्ड कप फाइनल से पहले रोहित शर्मा ने कहा था कि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। रोहित ने कहा था कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ मुश्किल वक्त में खिलाड़ियों के साथ रहे, खासकर T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब हम सेमीफाइनल में हार गए थे, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का साथ दिया, सभी चाहते हैं कि इस बड़े मौके का वो हिस्सा बने और ये हमारा काम है कि हम उनके लिए ऐसा करके दिखाएं, यानी कि वर्ल्ड कप उनके लिए जीत कर दिखाएं। अब इस बयान पर गौतम गंभीर रोहित शर्मा पर भड़क गए। गंभीर ने कहा कि रोहित को मीडिया में ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। 2011 वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया, जहां कई इंडियन प्लेयर्स ने खुलेआम कहा था कि वो सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। गंभीर ने कहा, हर खिलाड़ी, हर कोच वर्ल्ड कप जीतना चाहता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। कहते हैं ना कि निरंतरता से बेहतर क्या होगा। लेकिन मैं एक बात कभी नहीं समझ पाता, ये 2011 में हमारे वक्त भी हुआ था, जब आप ये कहें कि आप किसी एक इंसान के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, ये सही नहीं है। आप वर्ल्ड कप पूरे देश के लिए जीतना चाहते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा कहना भी है तो मीडिया में नहीं कहना चाहिए यार, बात अपने तक रखनी चाहिए। सच ये है कि देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। 2011 में मुझसे भी यही सवाल पूछा गया था, तब मैंने कहा था कि मुझे देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, मैं देश के लिए बैट उठाता हूँ। रोहित को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब ये वाली स्टेटमेंट हो गई। गंभीर ने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा को ये याद रखना चाहिए कि टीम किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहती है। गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की तारीफ की और उनके भविष्य पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि यार क्या लगता है, राहुल द्रविड़ को भी कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप हार गए, आप ODI वर्ल्ड कप भी हार गए घर में होने वाला, तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ को टीम का कोच अभी बने रहना चाहिए। जी हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हेड कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अपने आप में बढ़ा दिया जाना चाहिए। इंडियन टीम ने जिस तरह के क्रिकेट पूरे वर्ल्ड कप में खेले, अगर आप कोच को एक मैच के नतीजे पर जज करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। बात से आप कितना सहमत हैं ये आपके ऊपर है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। गंभीर ने राहुल द्रविड़ के कोच बने रहने की बात को दोहराते हुए कहा कि उन्हें कोच बने रहना चाहिए और T20 वर्ल्ड कप और अगले वर्ल्ड कप की टीम बनानी चाहिए। गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और शमी को शायद आप अगले वर्ल्ड कप में ना देखें, इसलिए जरूरी है कि अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम अभी से बिल्ड की जाए, यानी कि 2027 वाले जो प्लानिंग है वो अभी से इंप्लीमेंट की जाए। इसके अलावा क्या हो, इसके अलावा मोहम्मद कैफ पर भी रोहित गौतम गंभीर भड़क गए थे। दरअसल हुआ ये था कि मोहम्मद कैफ ने कहा था कि जो टीम इंडिया है वो ऑन पेपर बेस्ट टीम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन वर्ल्ड कप जीता, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कहा। इसके बाद डेविड वार्नर की स्टेटमेंट, डेविड वार्नर ने कहा कि यार ठीक है, इंडिया इज अ ग्रेट टीम, बट ऑन दैट डे, यानी कि फाइनल मैच वाले दिन हम ज़्यादा बेहतर खेले, और ये सही भी है। और गौतम गंभीर ने भी यही बात कही कि यार इस तरह की स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब है, बेजायर स्टेटमेंट उन्होंने करार दिया मोहम्मद कैफ की स्टेटमेंट को, और कहा कि इंडिया अच्छा खेले, नो डाउट पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले, लेकिन हाँ उस दिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छे खेली, यानी कि कहीं ना कहीं डेविड वार्नर की बात से वो भी सहमत नज़र आए। और इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में ऑन पेपर टीम इंडिया चैंपियन है, या फिर जो उस वक्त अच्छा खेलता है, जो उस दिन अच्छा खेलता है वो चैंपियन होता है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।